और उसके अंदर कुछ फ्लीस को डाला गया। उसके बाद उस जार को ऊपर से बंद कर दिया गया। 3 दिन तक जार को ओपन नहीं किया गया। 3 दिन बाद जब जार को ओपन किया गया तो जार ओपन होने के बावजूद वो फ्लीस जार से बाहर आने की कोशिश नहीं कर रही थी। एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि अब ये फ्लीस पूरी जिंदगी के लिए इस जार से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगी। इवन के जब ये रिप्रोड्यूस करेंगी, यानी कि जब इनके बच्चे पैदा होंगे तो वो भी इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे और जार से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे। हम मिडिल क्लास और गरीब लोगों को भी इसी तरह के एक जार के अंदर बंद किया गया है। और इसके ऊपर का ये ढक्कन है, ये गवर्नमेंट है, एम्प्लॉयमेंट ट्रैप्स और एजुकेशनल ट्रैप्स है जिनके थ्रू हमें ब्रेन वॉश किया जाता है। हालांकि हमारे पास अब बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, यानी कि ये जार का ऊपर का ढक्कन अभी ओपन है, हम लोग इससे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन हमारे माइंडसेट को प्रोग्राम किया गया है कि हम इससे ऊपर जा नहीं सकते हैं, इससे ऊपर हमें जाने की जरूरत नहीं है। यही सारा सिस्टम, यही सारी प्रोग्रामिंग जो है वो मैट्रिक्स कहलाती है। जिस तरह उन फ्लीज को 3 दिन जार में बंद करने के बाद उनके माइंडसेट को प्रोग्राम कर दिया गया था कि अब वो इस जार से बाहर नहीं निकल सकते, इसी तरह हम मिडिल क्लास और गरीब लोगों को भी इसी तरह प्रोग्राम किया गया कि हम जॉब से ऊपर नहीं जा सकते, हमें सिर्फ जॉब करनी है और सर्वाइव करना है। अगर हम लोग इस मैट्रिक्स सिस्टम से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की जरूरत है, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा बनाना पड़ेगा। एजुकेशन हासिल करके, जॉब करके आप बहुत ज्यादा पैसा यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर सकते। इस चीज के बारे में सोचें और समझें कि किस तरह हमें गवर्नमेंट्स और मैट्रिक्स की तरफ से कंट्रोल किया जा रहा है।